हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बहुत थक गई हूँ। देख रहा होगा चेहरे से, बहुत बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, क्योंकि आज दिन भर से मिस्टी के प्रोजेक्ट से कि अपना एक ड्राइंग बना रही थी, क्योंकि सैटरडे क्लास का छुट्टी था। बहुत टाइम बाद मैं अपना कुछ काम, वो ब्लड वाला पेंटिंग बनाया था, उसके बाद मैं बैठी। आप लोग को दिखाती हूँ मैं ये पेंटिंग। ये देखा, ये कैसा लग रहा है? अभी ये बोर्ड पर ही लगी हुई है। इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगा, आप लोग जाके जरूर देखना दोस्तों, है ना। इसको मैं अभी यहीं रख रही हूँ, क्योंकि तो इसको बनाने में मुझे करीब 3 से 4 घंटे लग गए। आज आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया हुआ है। मिस्टी का प्रोजेक्ट भी था, तो मिस्टी का प्रोजेक्ट तो स्कूल से मिलते हैं, लेकिन पता है कि वो बच्चे तो कम बनाते हैं, पेरेंट्स को ज्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अब राधिका है, वो तो अपना कर लेती है, लेकिन मिष्टी के साथ पॉसिबल नहीं है ये सब, तो मिष्टी का तो अपन लोगों को करना ही पड़ता है। ऐसा है, हर पेरेंट्स करते होंगे इन दिनों, सभी के आप प्रोजेक्ट्स वगैरह सब चल ही रहे होंगे, क्योंकि स्कूल खुल गए, खुलने वाले हैं। मिष्टी के तो 1 तारीख से हैं, और राधिका के तो खुल चुके हैं, लेकिन राधिका स्कूल जा नहीं रही है अभी। वो जाएंगी अब मंडे से, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी अभी, तो फिर वो कहने लगी कि अभी मम्मी हम नहीं जा रहे हो। फिर प्रोग्राम भी था हमारे घर में, फंक्शन भी था, तो भी नहीं। अब उनके तो खैर बहाने एक ना एक बच्चों के तो रहते ही हैं। अब उनका 12th है, तो मैं उससे बोलती हूँ कि बेटा स्कूल चली जाओ, वरना है ना फिर यही स्कूल के दिन तुम्हें बाद में बहुत याद आएंगे, बहुत, क्योंकि ये सबके साथ होता है। जो स्कूल वाली लाइफ सबको बहुत ज्यादा याद आती है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है कि मैंने किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स बनाए। यार सच्ची पागल हो गई इसके प्रोजेक्ट्स के चक्कर में, मैं क्या 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 देते रहते हैं। और ना टीचर्स को ये समझ नहीं आता है, स्कूल वालों को ये समझ नहीं आता कि ये जो चीजें दे रहे हैं वो क्या बच्चे बना पाएंगे क्या? अरे उनके हिसाब की चीजें दो ना यार, कि ताकि बच्चे कर पाए, पेरेंट्स को करना पड़ता है। मैंने मतलब कितने लोगों से डिस्कस किया, तो सभी लोग यही बोल रहे थे, अरे मैडम हम नहीं बना के दिए अपने बच्चे का प्रोजेक्ट, हमने बना। तो यार सबके पेरेंट्स ही बना रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए प्रोजेक्ट दिए थे क्या? स्टूडेंट्स के लिए नहीं दिए थे क्या? पर बड़ी यार सच में बहुत आफत है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा, कुछ नए आइडियाज ही मिलेंगे कि कैसे मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पर सोच रही हूँ एक पूरा वीडियो भी आप लोगों के सामने दूसरे चैनल पे लेके आऊँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो सब मार्क के लिए टेंशन होता है कि कैसे अपने बच्चे का प्रोजेक्ट बनाए। इन दिनों काफी चल रहा है कि स्कूल में प्रोजेक्ट्स के बिना कुछ होते ही नहीं है, सीबीएसई स्कूल में। तभी जो बना रही हूँ मैं, कि पेड़ों से जो पत्तियां ली मैंने, उनसे कुछ शेप्स बनाना है एनिमल्स के, तो वो पूरा बनाती हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने ये कनेर की लीव्स ली है, और ये जो है वो रोज का है, तो मैं इससे बटरफ्लाई बनाने वाली हूँ। और देखिए आप लोग कैसे करने वाली हूँ मैं काम। ये देखिए, इसे मैंने फेविस्टिक लगा लिया है, और अभी इसको मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ। इतनी सारी लीव्स हैं यहाँ पे। मम्मी मेरा प्रोजेक्ट बना रही है ना? हाँ मम्मी आपका काम कर रही है, मिट्टी मस्ती कर रही है, टीवी देख रही है, क्या कर रही है, ये जमाना आ गया है। ये बनाऊंगी। ये देखो, ये इस पे मैंने अटैच कर दिया है, ये तो ये बटरफ्लाई बनेगी, क्यूट सी बटरफ्लाई है। इतनी सारी लीव्स हैं। इसका ये भी निकालने वाली हूँ मैं, लेकिन 5 बनानी है तो मम्मी ना आई। देखो मम्मी कर रही है, तुम करके आ रही हो, तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, मैं परेशान करती रहती हूँ। ये देखो यहाँ, ये अरे यार यही तो होता है हमेशा, यही तो होता है, और तुम कुछ करती नहीं हो, वो गायब ही हो गया। लकड़ी ये बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है हमारी, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी मुझको ऐसे 5 एनिमल्स बनाना है, तो मैं और बना रही हूँ। तो दोस्तों देखो, मैंने ये बना दिया एलिफेंट, ये अश्वगंधा की लीफ है, और ये सदाबहार की है, ये वाली जो है वो गुलाब की है, और ये कनेर के, ये पैर इनका खिसक गया, अटैच कर दिया मैंने अच्छे से। मम्मी क्या बना रही हो? चूहा। चूहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, देखते क्या बन रहा है। मुझे लग रहा है, क्या पता कुछ और ही ना बन जाए वो। आप लोगों को लग रहा है क्या? मम्मी ने बटरफ्लाई बना दी थी, ये ऐसे ही मम्मी ने, ये एलिफेंट
ये खाया चूहा चूहा। यहाँ पे मैं करी राइस खा रही हूँ, वहाँ पे मेरे करी राइस शिंजन वाले करी राइस वैसे ही स्टाइल में खा रही हूँ, वहाँ कुछ खाती हूँ। सो साइड में करी है, साइड में चावल है, दाल को आप करी समझ लो शिंजन वाली। मैं वहाँ से टीवी देख रही हूँ, बन गया चूहा। अभी कहाँ कान नहीं बने, छोटे छोटे से कान बनाओ इन सारी लीफों से। ये पता बचपन में मुझे लगता था सच्ची में ना मनी प्लांट पे ना सच में मनी लगी होगी, असली मनी प्लांट ये निकला। ये मैं समझ गई थी कि मनी प्लांट की वह होगी, इतनी बड़ी किसी की नहीं है। सो मैं जा रही हूँ खाना खाने, और ये हिबिस्कस की है, क्यूट सी हिबिस्कस की, ये कनेर की है ना। चलो लेट्स गेट बाय गाइस। ये चूहा लग रहा है ना, बताना प्लीज यार मेरे को लगने। हमें तो बना दिया इसका टू और बनाना, देखते दिमाग कहाँ और चल रहा है मेरा। गाइस ये मम्मी क्या बना रही हो, ऐसा लग रहा है कोई ड्रेंस करा हो हाथ ऐसे करके। ये मेरा मजाक उड़ा रही हो मुझे लग रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये फेस बनाया है और नीचे मैं बॉडी बनाने वाली हूँ कैट की। तो देखते हैं क्या बन रहा है। देखो ये चूहा बना दिया, मैं इसको कट कर रही हूँ। इसको मैं गोलाई में थोड़ा सा कट कर रही हूँ। अरे मम्मी का चूहा, मम्मी का चूहा नहीं है, बढ़िया ही। मम्मी का चूहा, मम्मी ने चूहा बना दिया। ये चूहा कम वो ज्यादा लग रही कैट। मिस्ट्री ना पिटाई लगाएंगे, एक तो हम तुम्हारा काम कर रहे हैं ऊपर से मेरा मजाक बनाया जा रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं मजाक नहीं बना रही, मैं रियलिटी सच बता रही हूँ। ये कैट का मूछ बना मूछ क्या सॉरी सॉरी कैट की पूछ बना दी है। पूछ भी बन गई है, मैंने खाना खा लिया इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। एंड ये क्यूट सी लीफ है, देखो मैं स्टिक कर रही हूँ इसका। ओ शिट मम्मी के साथ हमेशा यही क्यों होता है। अभी हम लोग एक चीज और बनाने वाले हैं, अभी वो रिवील नहीं करेंगे, उसके लिए वीडियो तक देखना पड़ेगा, उसे रोटेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लोरोफिल दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का, ये पता है लीव्स आपको पता है ग्रीन क्यों रहती है। मम्मी बताओ लीव्स ग्रीन क्यों रहती हैं? किसी को भी नहीं मालूम है ना, सिर्फ मिस्ट्री को मालूम है कि पत्तियां ग्रीन क्यों रहती हैं। अब मम्मी बताएगी? नहीं मम्मी भी नहीं बताएगी, अब तो मिस्ट्री बताएगी कि ग्रीन क्यों रहती है, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ाई करी ही नहीं है, मिस्ट्री ने भर करी है पढ़ाई, तो मिस्ट्री बताएगी। मैं बताती हूँ, लीव्स ग्रीन इसलिए होती है बिकॉज उसमें क्लोरोफिल होता है। अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं था आज तक। इसका तो मेरे को पार्ट्स के बारे में पता है, ये मिडरिप है बीच की, ये टिप है, लीव बेस है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इतनी सारी वेन्स है। वेन्स वो अभी आपको दिखेंगी नहीं, ये वेन्स है, साइड वेन्स है, और ये बहुत छोटी छोटी वेन्स। लीफ का बेस है और ये पोडल है भाई, मैंने बहुत रिसर्च, ये टिप है टिप, ये मेरे को स्कूल में पढ़ाया गया था, मुझे पता है। क्यूट लगती है लीव ग्रीन ग्रीन, मैं पता है बचपन में सोचती थी, अब भी सोचती हूँ ये लीव पिंक क्यों नहीं होती है अलग अलग कलर्स की। नकली प्लांट्स में तो बहुत अलग अलग रहती हैं कलर्स की। ये मम्मी कौन सी है? कनेर की, यहाँ कनेर नहीं है, ये अलग ही है, ये वो प्लांट लगा है उसका नाम ही अलग। ये देखो मिस्टी, इसकी मुझे भी बना देना। हाँ मुझे भी बनाना पड़ेगा। ओके, उसकी व्हाइट कट कलर के ऐसे साइड से निकली हुई मुझे रहती है जैसे मेरी है। मम्मा मैं आपको अपनी शक्ल दिखाना चाहती हूँ अपनी, जैसे मेरी मूछ है वैसी मेरी मूछ है, ऐसे मेरी भी मूछ है, देखो ये साइड से। मम्मी बोल रही है मिस्टी की मूछ है ना, है ना मम्मी? मम्मी कुछ नहीं बोल रही है मिस्टी से। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या हो रहा है, खतरनाक तरीके से हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैं खाना खा के आ चुकी हूँ एंड मम्मी को एक पार्ट ऑफ स्पीच भी बनाना है, ये
ये मेरे पास एक पेपर है बहुत ही क्यूट सा, शायद ये मम्मी ने कलर्स रखे हुए हैं, मम्मी के बहुत सारे पुराने कलर्स हैं और मेरे से स्पॉइल हो ही गए, गिरी जाती है हर चीज, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े से, देखो स्पॉइल हुआ गाइस, ये देखो स्पॉइल हुई नहीं गिरी गए। ये मम्मी कौन सी कंपनी है आप थोड़ा बताना चाहती है, कौन से कलर्स है? हम बिल्कुल भी कुछ भी बताना नहीं चाह रहे क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो रहा है, आंखें नहीं बन रही हैं, इसलिए देखो हमने कैसे आंखें बना रहे हैं। तो ये मैं बता देती हूँ, ये लूना स्टेटलर है 48 शेड्स और उसमें स्विस वाले भी रख दिए मम्मी ने, कौन से है यार ये वाइट कलर के, ये स्विस कलर है बहुत अच्छा सा ऑफ वाइट कलर है ठीक है, और मम्मी ने पर्पल कलर से क्या बना दिया है, क्या कर दिया है आपने इसका, डोरीमोन बना दिया है आपने, इसकी इतनी बड़ी मूंछें भी नहीं होती डोरीमोन की, डोरीमोन नहीं है बिल्ली के भी कान बने हैं, अरे डोरीमोन एक कैट रोबोट ही है असली, उसको इतने सारी कैट पसंद है, आप कमेंट्स में बताओ मीट, मैंने आंसर ही बोलती नो बेटा, किससे सबसे ज्यादा जलता है? मिट्टी से, मिट्टी से तो नहीं जलता है, शिजुका से भी नहीं जलता, ये देखो है। बिल्ली बन गई, ये बिल्ली तो नहीं लग, ए मिट्टी ज्यादा नहीं, एक तो हम तुम्हारा काम कर रहे हैं ऊपर से कह रही है कि अगर मैं मम्मी मेरे पे चिल्ला देंगे फिर मेरा काम भी नहीं करेंगी, हाँ ये सही कहा, कौन ज्यादा पसंद ये है? देखो ये बिल्ली लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है पक्का, पक्का बताना दोस्तों मुझे कमेंट करके ना, चाह मैंने 4 तो बना दिए हैं अभी और बनाना है मुझे, तो दोस्तों देखो ये वाला अभी बनाया हुआ है मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, इसका ट्री बनाना है अब इसमें मैं लिखने वाली हूँ, क्राफ्ट पेपर का यूज किया है, ये मिस्टी का काम होना चाहिए लेकिन मुझे करके देना पड़े, तो मैं बहुत फास्ट काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, कल प्रोजेक्ट देना है इसका।